अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू अ प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे ये तुम्हारी लाइट रे यहाँ से शुरू होके इधर जा रही है और फाइनली इधर बाहर निकल रही है, करेक्ट। तो लाइट पहली बार यहाँ पे उसका डेविएशन हुआ यहाँ पे, फिर दूसरे रिफ्रैक्शन पे उसका दूसरा डेविएशन हुआ। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? तो जो इंसिडेंट लाइट है, ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट है, इसको आगे हम इसके ओरिजिनल पाथ को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। ओके, तो ये लाइट का फर्स्ट डेविएशन हुआ इस तरफ, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा वन। फाइनली लाइट का जो यहां पे ये सेकंड लाइट निकली, यहां से हॉरिजॉन्टली जा रही थी और यहां से इसका डेविएशन फिर से हुआ। तो इसी तरह मैं इधर मेंशन कर सकता हूं कि ये जो है सेकंड डेविएशन लाइट का डेल्टा टू। ओके, अभी नेट डेविएशन क्या होगा, वो यहां पे कैसे शो करेंगे? तो ये जो फाइनल रे है इसको हम पीछे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसको अगर मैं पीछे ले जाऊं तो ये ऐसे जाएगी, तो ये तुम्हारा नेट डेविएशन हुआ डेल्टा। तो नेट डेविएशन डेल्टा को मैं लिख सकता हूं डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ओके, अब हम यहां पे डेल्टा वन और डेल्टा टू देखते हैं एग्जैक्टली क्या होंगे। तो मैं यहां पे पहले एक नॉर्मल ड्रॉप करूं, ये नॉर्मल ड्रॉप किया यहां पे, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन होगा, करेक्ट। तो यहां मैं डेल्टा वन को इजिली लिख सकता हूं आई माइनस आर वन, डेल्टा वन विल बी आई माइनस आर वन। इसी तरह मैं यहां पे सेकंड सरफेस पे एक नॉर्मल गिरा हूं, ये मैंने नॉर्मल गिराया, तो ये एंगल तुम्हारा आर टू है और ये पूरा एंगल तुम्हारा ई है। तो मैं यहां पे फिर डेल्टा टू को लिख सकता हूं कि डेल्टा टू तुम्हारा जो होगा ई माइनस आर टू होगा। ओके, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और डेल्टा फिर तुम्हारा कितना होगा, डेल्टा वन इज आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन, डेल्टा टू कितना है ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। तो ये हो जाएगा आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं। अब ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है कैपिटल ए, तो ए कितना होता है आर वन प्लस आर टू होता है ना, तो आर वन प्लस आर टू को मैं लिख सकता हूँ ए। तो तुम्हारा डेल्टा कितना हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। ओके, तो इस फॉर्मूला से मैं एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकता हूं, फाइन। अभी एक चीज मैंने बताई थी कि लाइट अगर ये पाथ ट्रेस करती है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो लाइट रिवर्स पाथ भी सेम फॉलो कर सकती है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ई, है ना। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ई से इमर्ज होगी। तो अगर मैं उल्टा ले जाऊं, यानी कि ई पे इंसिडेंट हुई, तो जो इमर्जेंस होगा उसका एंगल हो जाएगा आई। तो आई और ई इंटरचेंजेबल हैं, है ना। और यहां से जब लाइट इधर गई तो डेविएशन डेल्टा हुआ, तो इसी तरह लाइट जब उल्टा जाएगी इधर, तब भी डेविएशन हमें डेल्टा मिलेगा। तो चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस ई हो, दोनों ही केस में हमें एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलेगा। ओके, तो अब मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। तो ये मेरा ग्राफ है यहां पे, यहां वाई एक्सिस पे मैं एंगल ऑफ डेविएशन रखता हूं और एक्स एक्सिस पे आई, ठीक है। तो आई और डेल्टा का मुझे ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला वैसे तुम लॉजिक में मत जाना कि कैलकुलेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा लॉजिक में इसमें फॉर्मूला में जाने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी, कन्फ्यूजन होगा। सिंपल रखो, ये फॉर्मूला तो याद रखना है, दूसरा ग्राफ याद रखना है। मैं ग्राफ कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसकी इक्वेशन क्या है, उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल टाइम्स लगता है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, ऐसे लंबा सा बनेगा, तो उसमें नहीं जाना है। अपने को एकदम सिंपल रखना है, बस ग्राफ कैसा बनता है तुम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, तो ये डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ जो तुम्हारा होगा लगभग कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो जैसे मैं एक सर्टेन डेविएशन उठाता हूं, तो दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन पॉसिबल है। तो ये यहां पे मैं लाइन ड्रॉप करूं, ये मेरा लेट्स से आई है, ठीक है, एक सर्टेन आई कुछ वैल्यू है।
अब मैंने क्या बताया था कि आई और ई आपस में इंटरचेंजेबल हैं, है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई हो जाएगा और हमें डेविएशन डेल्टा मिलेगा। पर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को ई कर दूं तो इमर्जेंस आई होगा, पर तब भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ही रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो दूसरी तरफ जो ये बना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ई। ओके, तो आई और ई आपस में ऐसे इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। तो अब मैं जैसे जैसे आई बढ़ाऊंगा, ई कम होते जाएगा, तो एक पॉइंट पे आई और ई दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वो पॉइंट क्या होगा, वहां पे तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है मिनिमम। ओके, तो ये मैं लिखूं कि डेल्टा मिनिमम है। ओके, तो यहां पे तुम्हारा आई इक्वल टू ई हो जाता है। इतनी बेसिक चीजें याद रखनी है बस। ओके, और ये ग्राफ में मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी कंडीशन ली नहीं है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वही लाइट एंटर की सामने से इमर्ज हो रही है। ओके, उतना उसी रेंज में हमने ये ग्राफ बनाया है, उससे आगे पीछे हम नहीं गए। फाइन, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली बात तो हम ये बेसिक चीज़ समझ गए कि भाई डेल्टा क्या होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन ये होगा, डेल्टा टू ये होगा, और उनको हमने ऐड किया, डेल्टा इक्वल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। फाइनली सिंप्लीफाई करके हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। हम एक तो ये फॉर्मूला जनरली यूज़ करते हैं, दूसरा ये कंडीशन कि मिनिमम डेविएशन कब मिलता है, आई इक्वल टू ई पे। और ये ग्राफ भी हमें याद रखना होता है कि ग्राफ का ऐसा शेप बनता है। ठीक है, अब फॉर द सेम, हमें सेम डेल्टा कब मिलेगा, हमें कोई डेल्टा की वैल्यू मिली, तो सेम डेल्टा की वैल्यू पे हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, एक आई और दूसरा ई। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा मिनिमम। तो अब एक चीज याद रखो, देखो मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा, जब आई इक्वल टू ई होगा, तो वही कंडीशन यूज करेंगे। तो ये हम प्रिज्म पे वापस आते हैं, तो हमारे पास आई है, आर वन है, आर टू है और ई है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, अब आई इक्वल टू ई है, आई इक्वल टू ई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई इक्वल टू ई, दिस मीन्स दैट आर वन इक्वल टू आर टू। ठीक है, आई इक्वल टू ई मतलब आर वन इक्वल टू आर टू। और दूसरी बात, साइन आई इक्वल टू एन साइन आर वन है। ठीक है, ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ है, इसको हम यूज करने वाले हैं। देखो अभी फिलहाल पहले हम ए पे आते हैं, तो ए तुम्हारा कितना होगा, आर वन प्लस आर टू, यानी कि मैं टू आर वन लिख सकता हूँ। तो यहां से आर वन कितना मिला, ए बाय टू, तो यहां पर लिख लेते हैं साइन आई इक्वल टू एन साइन ए बाय टू। तो एक तो ये रिलेशन तुम्हारा बन जाता है। ओके, अब डेविएशन का देखो, ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला में हमें मिनिमम डेविएशन के टाइम आई इक्वल टू ई है, तो डेल्टा मिनिमम के टाइम आई इक्वल टू ई है, तो लिख लेते हैं डेल्टा मिनिमम इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, यानी कि टू आई माइनस ए। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आई की वैल्यू ये मिली, मैं इसको ये रिलेशन में रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू एन साइन ए बाय टू, तो इक्वल टू हो जाएगा एन साइन ए बाय टू। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं प्रिज्म का। मतलब बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे जहाँ पे हमें डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें डेल्टा कैलकुलेट करना हो रहा है। तो हमारा ऐसा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ये ग्राफ प्लॉट होगा, फिर इसमें हम मिनिमम डेविएशन निकालेंगे कितना होगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं कितना होगा, तो हमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, डेल्टा मिनिमम मिल गया। ओके, और बाकी एंगल ऑफ प्रिज्म तो हम खुद मेजर कर सकते हैं, तो वो डेल्टा मिनिमम को और ए को ये फॉर्मूला में रख के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तुम्हारा एन कितना मिलेगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे सारे फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन को लेके। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम्स बनते हैं मोस्टली, प्रिज्म में प्रॉब्लम्स या तो एंगल ऑफ डेविएशन पे ही आते हैं, तो अच्छे से इसको समझ